नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मालवे टेक पर। तो मेरे पास आज आया हुआ है सैमसंग का फ़ोन, डेड है, ऑन नहीं हो रहा है फ़ोन। आज हम इसे ठीक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि इस फ़ोन को कैसे कराए ठीक। आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबा लें, क्योंकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों, ये है इसकी पावर आईसी, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। बैटरी लगाते के साथ ही या चार्जिंग पे लगाओगे तो हीट हो रही है। और कभी कभार इसमें क्या होता है कि सिर्फ चार्जिंग का सिंबल बना हुआ आता है। वो डीलर बता रहा था कि ऐसा कस्टमर बोल रहा था कि इसमें कभी कभार चार्जिंग लोगो आता है बना हुआ, चार्ज नहीं होता है फ़ोन और हीट होता बहुत ज़्यादा। तो हम इसे ठीक करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना ही चार्ज हो रहा है ना ही फ़ोन ऑन हो रहा है। तो हम सबसे पहले इसकी बैटरी चेक करेंगे कि बैटरी में हमारे कितना करंट है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मल्टीमीटर में 3.6 वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब हमारी बैटरी थोड़ी बहुत तो चार्ज है। मतलब चार्जिंग में लगाते टाइम ही तुरंत चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा ये फ़ोन इस कंडीशन में। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो मदरबोर्ड बिल्कुल साफ है, बस हीट मार के देखा हुआ है, बट हुआ नहीं है वो फ़ोन ऑन हुआ नहीं। अब हम इसका कैमरा निकाल लेंगे, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा निकाल लेंगे अच्छी तरीके से, और मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से डीपली हम इसे आई स्कैनिंग कर लेंगे। आई स्कैनिंग करने के बाद मदरबोर्ड को ट्रेस करेंगे। एक एक कंपोनेंट हमें चेक करना है दोस्तों, एक एक कैपेसिटर चेक करना है कहीं कुछ शॉर्ट तो नहीं है। तो बैटरी कनेक्टर पे दोस्तों बजर आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड, तो हमारा फ़ोन फुल शॉर्ट है अभी इस टाइम पे। तो हमें वही ट्रेस करना है कि कहाँ से शॉर्टिंग है, या हमारी जो पावर आईसी हीट हो रही है कहीं वो तो शॉर्ट नहीं है। तो हम पहले पूरा मदरबोर्ड फाइंड कर लेंगे एक एक कंपोनेंट चेक करके, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इससे। आप वीडियो पर एंड तक बने रहें दोस्तों, वीडियो स्किप ना करें कहीं भी, पूरी देखेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। तो जो सैमसंग का एम सीरीज़, ए सीरीज़ और सैमसंग एम ए सीरीज़, इनमें ज़्यादातर हैंग ऑन लोगों दिक्कत या चार्जिंग का सिंबल सिर्फ बना हुआ आता है, ऑन नहीं होता फ़ोन। तो ये ज़्यादातर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा नेटवर्क का सेक्शन है इस साइड से होती है दिक्कत, या पावर से होती है, या डबल टेकर सीपीयू से होती है हमारी दिक्कत। तो डबल टेकर सीपीयू जो हैंग ऑन लोगो होता है, वो क्या होता है कि सीपीयू थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो उसे हम निकाल करके दोबारा रिवॉल्व करके लगा देंगे तो ठीक हो जाता है। तो उसके ऊपर भी एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ अपने चैनल पर बहुत जल्द। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है वो। तो अभी जो हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ़ोन कर रहा हूँ। इस फ़ोन का दोस्तों मॉडल नंबर है सैमसंग M21। तो हम जो हमारी इस टाइम मशीन का टेम्परेचर है दोस्तों निकालने का 340 है, और एयर मैंने रखा हुआ 40। मेरे पास जो मशीन है 800X DW है, मैं उससे वर्क कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो हमारी आईसी निकल चुकी है इजीली, हम इसे डी सोल्डिंग वायर से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे मदरबोर्ड को, कहीं भी ग्लू या कोई किसी तरह का पेस्ट ना रह जाए, अच्छी तरीके से हमें क्लीन करना है आईसी लगाने के पहले। और दोस्तों ध्यान दें क्योंकि जिस आईसी में पूरे बॉल होते हैं उसमें क्या होता है, आपको पहले आईसी उतारने से पहले या तो एक फ़ोटो खींच लें आईसी की, कि आईसी का डायरेक्शन किस साइड है। कई मेरे दोस्त, कई मेरे भाई होते हैं कि आईसी का डायरेक्शन देखते नहीं हैं और आईसी निकाल देते हैं, फिर बाद में नेट पे ढूंढते रहते हैं कि आईसी का डायग्राम किधर की साइड होता है और मिलता नहीं है कई कई मॉडलों का। तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखें दोस्तों, आईसी निकालते टाइम और लगाते टाइम ज़रूर ध्यान दें। तो हमारी आईसी निकल चुकी है, हमने अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर लिया दोस्तों। हमारा एक प्रिंट उसमें मिस है, वो ग्राउंड है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें नई आईसी लगानी है इसको। नई आईसी लगा करके हम देखेंगे, पहले अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर लें।
उतार लिए, क्लीन कर लिए। अब एक बारी हमें सॉर्टिंग चेक करनी है मदरबोर्ड में, जहाँ जहाँ सॉर्टिंग थी सॉर्टिंग चेक करने के लिए। तो दोस्तों हमारी सॉर्टिंग आ नहीं रही है, प्लस पॉइंट पे कुछ भी नहीं बता रहा, माइनस पे तो ग्राउंड ऑब्वियसली बात है कि माइनस पे ग्राउंड बताएगा। और हमें नेटवर्क का सेक्शन की जगह पूरा चेक करना है अच्छे तरीके से, नहीं कोई कॉम्पोनेंट कोई कैपेसिटर से शॉर्ट तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल क्लीन है, हमारी सॉर्टिंग हट चुकी है। हम इसके ऊपर नई आईसी लगा करके देखेंगे हमारा फोन ऑन होता है नहीं होता। वीडियो में बने रहते हैं। इस आईसी का नाम क्या है, इस आईसी का मॉडल नंबर क्या है, ऊपर स्क्रीन पे शो कर रहा है दोस्तों। पेस्ट जो होता है वो कम से कम यूज़ करें, इतना करें कि हमारी आईसी लग सके उसमें। तो हमें पेस्ट कम से कम यूज़ करना है, और मशीन का टेम्परेचर हमें वही रखना है 340, और एयर कम से कम रखो 10 या 5 एयर रखो। बाद में जब आईसी हल्की सी बैठ जाए अपनी जगह पे, इसके बाद एयर बढ़ा लो और आईसी एक बार दोनों साइड से हिला करके चेक कर लो कि हमारी आईसी एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से बैठ गई है। इसके बाद मदरबोर्ड को ठंडा करें और फिर चेक करें कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। इन कामों में दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ये काम जितने आराम से करोगे उतना ही अच्छा रहता है। आईसी लेवल का काम, जितना भी चिप लेवल का काम होता है वो तसल्ली वाला होता है। टाइम दो पूरा, टाइम दोगे पूरा तो 100% रिजल्ट आएगा दोस्तों। जल्दबाजी करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो हम फिर से दोस्तों इसकी सॉर्टिंग चेक कर लेंगे। अभी कोई सॉर्टिंग नहीं है दोस्तों मदरबोर्ड में, हमारी सॉर्टिंग हट चुकी है। मैं एक बारी फिर से आपको चेक करवाना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मैं आगे और भी वीडियो अच्छी अच्छी लेके आता रहूँ आपके लिए। अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतने ही, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।